क्या शुरू कर देते हैं रिकॉर्डिंग? दिस इज माय इमिटेशन ऑफ अ कॉमिक. हैव यू गाइस नोटिस्ड? जस्ट दैट्स इट. बट गिव मी अ चीयर गाइस इफ यू आर कंजर्वेटिव. ओम ही बोल दो, कुछ बोल दो. कुछ चाहिए गाइस मुझे रिकॉर्डिंग में. गिव मी अ चीयर इफ यू आर फ्रॉम कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड्स. बाकी सब तुम लिबरल खानदानों से आए हो. ऐसा तो नहीं लग रहा आपके वेस्टर्न अटायर देखकर. हाँ, आई एम आस्किंग बिकॉज आई फील लाइक ये अभी बड़ा नया नया हमारे कंट्री में लाइक लिबरल वाला एजेंडा आया है. अदरवाइज हम सब काफ़ी कंजर्वेटिव हाउसेस से हैं. हियर इज अ वे टू फाइंड आउट. आई नो ओनली फाइव ऑफ यू वुड, बट लेट मी गेट विन यू अदर्स ओवर. ओके, आर यू रेडी फॉर द चेक? ओके, क्या आप एक 20 से 70 साल के युवक हैं जिन्हें अभी भी मम्मी पापा से डर लगता है? क्वेश्चन टू. जब फॉरेनर्स आके बोलते हैं ओ माय गॉड इंडियन फूड स्मेल्स सो वियर्ड, क्या आपका सीक्रेटली खून खौलता है? लास्ट वन. क्या आप एक अदरवाइज कूल एटीज स्टेप अगर चलते चलते गलती से गणेश भगवान की फोटो पे पैर लग जाए तो आप करते हैं डांस स्टेप? तो हम सब कंजर्वेटिव हाउस से है गाइस, एक्सेप्ट कर लो. अभी हुआ हमारा लिबरल एजेंडा. मेरा घर इतना कंजर्वेटिव था, माई मॉम हैड कम अप विद सम रूल्स बाय हरसेल्फ. Like religion wasn't enough, she made some up. Like one of the rules in my house was that we couldn't take a bath. We matlab main aur meri choti behan, we couldn't take a bath without a chaddi. We had to wear it at all times. Yeah, give me a chair guys if you took a bath with chaddi. Just unrelatable problems by Sejal Bhatt. ये मेरे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग रूल था यार. मेरे लाइफ का मतलब यही, उसी टाइम मेरा बस ड्रीम वाज जस्ट दिस. मेरे फ्रेंड्स वर लाइक ओ मैं बनूंगी डॉक्टर, इंजीनियर, मैं बनूंगी कल्पना चावला. वो तो मर गई, कोई नहीं, मैं देख नेक्स्ट वाली बनूंगी. एंड आई वाज जस्ट देयर गोइंग मैं चड्डी के बिना नहाऊंगी. दैट वाज माय वन बिग ड्रीम. और मेरी बहन ने और मैंने ना बहुत प्लान करके डिसाइड भी कर लिया था हाउ टू लाइक गो अराउंड दिस रूल दैट वी हैड. बिकॉज आई रियली जस्ट वांटेड टू फील द स्किन हियर. ओके, आई जस्ट रियली वांटेड टू फील. लाइक तुम सब ने नंगे नहाया है, शेमलेस. सब लोग ने, ये कैसी प्रॉब्लम है? ये मेरी बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा गाइस. तो वी हैड फिगर आउट अ सिस्टम. सो व्हेन माय पेरेंट्स वर बिजी और विद गेस्ट्स और व्हाटएवर, वी वर लाइक आज तो हम चट्टी के बिना नहा लेंगे, चलो पार्टी. But then we were also shit scared of our parents, so we would pour some water on it just to cover all our tracks, just so they don't find out. At some point, we'd strategized it so far, guys, that not only did we like pour water on it, we also rolled it up a little bit. I'll explain. See, when you take a dry chaddi off, no, it just falls. Like. But when you take a wet chaddi off, you go. ये जो मैंने बचपन किया था, लाइक मैं बन गई कल्पना चावला, बस मेरा नोबेल प्राइज यहीं पर है. आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस. सम ऑफ यू लुक्ड ऑकवर्ड इन द बैक व्हाइल डूइंग दिस बिकॉज यू आर पिक्चरिंग मी एट दिस एज. ओके, आई वाज दिस स्मॉल. प्लीज, पता था मुझे मेरी गटर ब्रेन ऑडियंस आएगी यहाँ पर गंद मचाने. ये मेरा बहुत बड़ा लाइक ये मेरा लाइक अ लॉट ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंड डूइंग दिस. एंड देन एट सम पॉइंट आई रिमेंबर आई सॉ माई डैड्स चड्डी. Independent of my dad. Just to clarify, I saw my dad's chaddi just hanging by itself, willy-nilly, on the hook, dry AF. Dirty also, I don't know how. But bathroom mein nahi chaddi nahi latkate na. I saw that and I was like, excuse me, somebody is not following the rules around the house. Mother must know about this. I will make such an articulate and eloquent argument that she won't be able to deny it. And I went to my mother and I was like, Mama! Main wo chaddi ke bina na. Sab chaddi mein. Main kyun nahi naha sakti chaddi ke bina, Mama? Articulate AF. And my mom, she really like looked me dead in the eye when I asked her this. And she said, because beta, God is watching you. who the fuck says this to a child? Also, what kind of a God is this? Wow.
अर्ली 2000s है, ठीक है, भूकंप आ रहे हैं और मलाइका अरोरा भी नाच रही है, पर ये इज जस्ट लाइक टेलीफोटो लेंस लगा के यार सेल चड्डी नहा रही है. व्हाई वाज दिस, इट जस्ट बग्ड मी, बट आई डिडन्ट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू आर्ग्यू दिस, सो मैं चलती रही लाइफ में. द अदर थिंग माय मॉम वाज रियली इनटू दैट आई पार्टिसिपेटेड इन होल हार्टेडली वाज जगरातास. Do you guys know Jagratas? Give me a cheer if you know Jagratas, guys. Most of you. Okay. That corner. Little. Still pretending to be liberal khandans. I get it. So, Jagratas are like... I got you guys. So, Jagratas... Am I pronouncing it right? Jagratas? Is it silent? I don't know. So, Jagratas are like... They're like... rave parties, but for religious people. Like, they go all night long and we party and everyone's just like smashed and like the cops come and give them some money and they're off, so it's like great. Except like in a rave party, you just go in a jagrata, you just go. But like the same thing. ये मेरी माँ का बड़ा अच्छा, मतलब ये बस उसकी लाइफ इसी में चली जाती थी मेरी माँ की. एंड आई अटेंडेड विद लाइक हर जगरातास विद हर. एंड द थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस आई डिड नॉट फाइंड आउट अबाउट बॉलीवुड सॉन्ग्स. एंड द थिंग इज द सॉन्ग्स इन जगरातास आर बॉलीवुड सॉन्ग्स बट विद द वर्ड. तुम सबको पता था यार, सबके सब बेशरम नंगे लोग, मगर ये सब पता था तुम्हें. No, so this was I did not know about this. I didn't know about like Bollywood songs and shit. I found out because 5th standard mein hum Jaipur mein rehte the and then we went for excursion to Pink Pearl and we were in the bus and we were playing Antakshari and they were like, Sejal, tumhari bari, phar se gana phar. And I was like, phir bhi dil mein mata rani. And no one sang along, guys. I was alone. I found out years later, and like 2 years ago was the last Jagrata I went with my mom because I have no life. So I went to Jagrata with my mom, and by now I have some knowledge of some Bollywood. And I went there, and this is a Shirdi Baba concert, I mean Jagrata. But like the same thing. So Shirdi Baba, okay. First of all, I like Shirdi Baba a little bit. I have soft spot for that boy because like other gods are like really like like Shirdi Baba's like, मेरे को couch ले आओ, मैं बैठ के chill करके bandana Rastafarian vibe लगा के. It's nice. We're there, okay, and thousands of people together are singing Shirdi Baba ki Diwani. Sheila. It's like, I have bhakti for you. माँ ये गलत कर रही हूँ, ये नंगा नाच आपने कैसे इस पे कर लिया, ये प्रॉब्लमेटिक. She's like, जलाए दिए वो विद पानी. क्या चल रहा है, दिस इज blasphemy मम्मा, ये तो गलत है, क्या करें. Like, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, चुप करो. Like, मम्मा प्लीज आप सुन लो ना. मम्मा मम्मा. She's like, चुप करो बेटा, आपको प्रॉब्लम क्या है. Like, because God is watching you, mom. And my mom was like, God को और कोई काम धाम नहीं है. ये तुमने बोला था. So season 1 to 8 of How I Got Back at My Mother. Jivi Vachi.